क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीलतांर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

है ना और स्पंजो सील क्या था ठीक है तो हमने कुछ कीवर्ड दिमाग में रखे कि हाँ, रखेरा में हमें क्या देखने मिला बाकी आप सबको पता है लेवल की बात किया था, हमने किस प्रकार का जो है, वो फेरा होते हैं कॉमन एग्जाम्पल बात स्पंज कॉमन बाथ स्पंज क्या होता है तो ये को हमने देखा फिर कहा दे, क्या देखा फिर हमने सिलेंटेटा को देखा हमने देखाट्रॉन या गेस्ट्रोवेस्टिटी क्या होती है ठीक है फिर हमने देखा कि पॉलिप और मेडुसा क्या होता है गोरगोनिया क्या है मैं कॉमन नेम नहीं बोल रहा मैं साइंटिफिक नेम बोल रहा हूं उसके बाकी कॉमन नेम आप दिमाग में सोचिए सोचिए याद कीजिए उसको गोरगोनिया क्या था पेनेटुला क्या था मियंड्रियाना क्या था ठीक है फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या था है ठीक तो ये हमें फिर टीनोफोरा के बारे में बात किया था कि कॉम्प्लेट क्या होते हैं कोलोब्लास्ट क्या होता है इसके अंदर के क्या होता है फिर प्लेटी हेलमिथस को देखा हमने कि प्लेटी हेलमिंथस में फ्लेम सेल्स क्या काम करती है देखा हमने ठीक है प्लैटीहेल्मिन्थ्स के कॉमन फीचर्स के बारे में बात किया हमने कि स्कॉलग्स क्या होता है इसमेट के इसमें स्यूडोमेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है तो जब भी आप एनिमल किंगडम का कोई भी लेक्चर अटेंड करते हैं ना तो पहले वाले फाइलम को दिमाग में याद कर लिया करो क्या कर रहा करो बेटा जो पहले मैंने आपको फाइलम पढ़ा चुका हूं ना उनको फटाफट फटाफट फटा फटा एक प्रकार से

अगले लेक्चर का इंतजार रहता है या नहीं रहता रहना चाहिए यदि ऐसा होगा तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा चलो ठीक है तो आगे बढ़ने के पहले जैसे हर बार की तरह इस बार भी कुछ क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा आपको इन दोनों ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना है पहचानिए ठीक है थीके? दोनों के नाम बताइए ठीक है दोनों के कॉमन नेम बताना है आपको और साइंटिफिक नेम बताना है आपको ठीक है ना कॉमन नेम बताना है बेटा आपको साइंटिफिक नेम के तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है और आपको बताना है कि इनका कॉमन नेम क्या है और इनका साइंटिफिक नेम क्या है इनका ठीक है ना बेटा ठीक है ये आपको बतलाना है ठीक है के लिए है ना और अब आपको एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अलावा मैं आपसे करूंगा ये जो हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं आपको जो सेगमेंट दिखाई पड़ रहे हैं इन सेगमेंट को क्या कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ सेगमेंट इन इन सेगमेंट के लिए हम क्या टर्म का इस्तेमाल करते हैं के, इन सेगमेंट के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एपोलाइसिस का मतलब क्या होता है टर्म एपोलाइसिस का मतलब क्या होता है ये बताना ठीक है आपके सामने कुछ क्वेश्चन है और इनके उत्तर मुझे चाहिए आपसे बेटा ठीक है ना आप बताइए मुझे कि ये दोनों दिखाई पड़ रहे हैं आपको आ, एक ए डायग्राम में बी डायग्राम में इनका कॉमन नेम क्या है साइंटिफिक नेम क्या है और ए डायग्राम में जो आपको सेगमेंट दिख रहे हैं उन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं एंड इज द मीनिंग ऑफ एपोलाइसिस क्लियर ठीक है आगे बढ़े अब आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अगला फाइलम का मेंबर ये है राउंड वर्म क्या है बेटा कॉमनली इन्हें बोलते हैं हम राउंड वर्म्स कहते हैं हम क्योंकि

ठीक है स्केल, मिंथस कहते हैं इन्हें हम निमेटे हेलमिंस भी कहते हैं कि आपको पता है बेटा निमेटा वर्ड का मतलब क्या होता है मैंने कई बार बताया आपको कि आप भूल नहीं सकते आपके भूलोगे तो पिटाई लगेगी कि निमेटा मतलब थ्रेड लाइक याद है क्रोमोनिमेटा क्रो कहां पड़ा था सेल डिनोटा ऑफ लाइफ में भूल गए भूलना नहीं ठीक है ना क्लियर निमट्टा थ्रेड तो ये थ्रेड धागे के समान दिखाई पड़ते हैं इसलिए इनको क्या बोला हमने इनके लिए वर्ड भी यूज करते हैं इनको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं कॉमन कॉमन ने, नेम इनका होता है राउंड बेटा है ना ठीक है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीज आर दी मोस्ट सक्सेसफुल वर्म के नाम कहते हैं कि जितने भी कृमि उनमें सबसे सक्सेसफुल कृमि जो है सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कि आपको प्रकृति में जो दिखाई पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ पैरासिटिक एडोप्टेशन आर दी सक्सेसफुल वर्म वार्मी ये सफलतम कृमि होते हैं और फाइलम हेलमिंथस की खास बात यह होती है कि इनमें आपको देखने मिलता है स्यूडोसिलोम ठीक है इनमें आपको ओनली ओनली फाइलम फाइलम जिसमें आपको स्थीडो स्थीडो देखने मिलेगा बाकी कहीं और सीडोसिलोम देखने नहीं मिलता है में क्या होता है बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होगी लेकिन वो से चारों ओर से नहीं घिरी होगी बल्कि उसके बाहर होगा एक्टोडर्म अंदर होगा एंडोडर्म और मिजोडर्म पॉकेट के रूप में होगी पढ़ा है बेटा हमने उसी को रिकॉल कर रहा हूं मैं कुछ नया नहीं बता रहा आपको मैं है ना और क्या ये वो कृमि है जो आ, जो हम सबको बचपन में भी परेशान किए जिनके लिए हमको कई बार दवाएं लेनी पड़ती है और बड़े कॉमन डीज इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन के हम बोलते हैं कि जो वर्म इन्फेस्टेशन है जो कृमि होते हैं के उनमें सबसे कॉमन कृमि जो इन्वॉल्व है वो होते हैं निमेटे हेलमिंथस होते हैं वो निमेटोडा होते हैं ठीक है क्लियर देखिए आप ये है आपका राउंड वर्म के बकायदा आपको सामने माउथ है ट्राइंगुलर माउथ तीन लिप तीन होट है इसके ट्राइंगुलर लिप दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें देखिए घोर के मैं किसमें आपको बताऊं इसमें ट्राइंगुलर लिप्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसमें है ना ठीक है देखो आप ना ने और इनमें एस कंपेयर टू प्लेटी हेलमिंथस दे आर मच मोर डेवलप इनमें आपको जो है वो ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने मिलेगा कंप्लीट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कंप्लीट आप बोलेंगे एलिमेंट्री के डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इनमें देखने मिलेगा ठीक है कई बच्चे बोलते हैं सर आप अच्छी हैडराइटिंग नहीं लिखते हो आपकीटिंग अच्छी नहीं है यार मैं बता दू मैं इसका कारण बताऊं मैं इसका कारण हूं मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूं डॉक्टरों परचा लिखता हूं उनके और अभी बहुत कोशिश करता हूं मैं कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी और अच्छी लिखू मैं ये मेरी बेस्ट हैंडराइटिंग लिखता हूं आपके लिए मैं आपके लिए मैं सबसे बेस्ट हैंडराइटिंग लिखता हूं के, मेरे मरीजों को दिक्कत ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूं सॉफ्ट मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू मैं प्रिस्क्रिप्शन को निकाल रिलीज करता हूं निकालता हूं तो उससे वो प्रिंट होकर आता है नहीं तो दवाएं तो ऐसी लिखी जाती हैं

इमरजेंसी कंडीशन होती है इसको बोलते हैं एक्यूट एप्डमन कहते हैं ठीक है और इसमें कई बार हमको हमकोमी करनी पड़ती है।, है हमको सर्जरी करनी पड़ती है क्योंकि में वो, वो चुके होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में होते हैं ये कि ये फंस जाते हैं और वे वे जो इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट है वो रुक जाता है और उसके चलते जो व्यक्ति को तेज होता है बहुत तेज होता है जब सोनोग्राफी करते हैं मालूम चलता है कोई अंदर प्रेजेंट है लेप्रोस्टोमी करनी पड़ती है और जो है वो आपका एबडमन व्यक्ति का एबडमन ओपन करके सर्जरी करके इंटेस्टाइन काट के ये निकालने पड़ते हैं बॉम्बार और मैंने ऐसे कैसे तीन या चार देखे हैं अपने मेडिकल इमरजेंसी तेज पेट दर्द में व्यक्ति आया और मालूम है इतने सारे वॉर्म्स पेट में से इतने सारे वॉर्म्स निकले इसीलिए प्लीज आज ये लेक्चर के बाद आप खाना नहीं खा पाएंगे यदि खाना खाने का प्लान है तो उसको रोक के पहले भोजन कर लीजिए फिर हम बात करते हैं ठीक है ना तो क्या होता है कि हम कुछ खाते हैं बेटा बाहर का हम जो है वो हाथ धोकर नहीं खाते हैं बाहर से सीधा हमने कोई फल लेके डायरेक्ट खा लिया हमने कोई खुले में रखी हुई चीज खा ली तो ये वॉम्स के उसके थ्रू ये वॉम फैलता है ठीके? तो हमको ध्यान रखना इसलिए जो जो क्रिमी होते हैं ना और हम सबको पूरे परिवार को जो है महीने कराना का होता है कुछ ऐसी खत्म कर देती है तो उसकी मेडिसिन को लगातार एक दो महीने में लेते रहना चाहिए ठीक है और डॉक्टर से आप इसकी सलाह ले सकते हैं और उन दवाओं को हम हेलमिंथिक मेडिसिन कहते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें

ठीक है ये बीच में आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था के एक वीडियो वायरल हुआ था कहीं पे और वायरल वीडियो जो होते हैं ना कई बार जो वीडियो वायरल होते हैं वो उनमें सच्चाई कुछ और होती है दिखाते कुछ और वो वीडियो था कि मैगी नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैगी पेट के अंदर फंस जाती है तो वो वीडियो वायरल हुआ उसमें दिखाया कि एक व्यक्ति को ऑपरेट कर रहे हैं उसमें से मैगी निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ करके तो एक्चुअली मैगी ऐसा नहीं होता के वो थे वर्म्स लोगों ने उसको मैगी समझ लिया दिखते वैसे ही लंबे लंबे से वाइट वाइट सेट के

ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में बात किया हुआ इसका ठीक है फिर आप लोग क्या करते कही होंगे कही थोड़ी -थोड़ी कही कहीं गए कहीं पब्लिक में कहीं नल लगा हुआ है कहीं पे टंकी लगी हुई है गए उन्होंने अपना जो है ऐसे चश्मा उतारा पानी लिया धो के अपना जो धो के फिर अपना फ्रेश हो गए फ्रेश फिल उस पानी वो वाटर ठीक या नहीं कहीं वाटर सीवेज सीवेज्रेड तो नहीं है कहीं वाटर के अंदर के एक तो नहीं है, और वाटर जैसी आप के, आप के अंदर गया आप देखिए आप आई कहां पड़ रहा है आपको देखिए ध्यान से आपको दिखाता हूं मार्क करता चलता हूं ये देखिए हैं ये। आई बॉम ठीक है दिखा आपको? अब गो, अब गोर अब गोर दिखे, दिखे आपको? अब अब से से देखिए मिटाता उसको। लोआ लोआ। नाम याद रखना, लुआ लुआ, आई हमारे जीवन में बड़ा भारी खतरा है मतलब तो इसके बारे में जानना जरूरी है हमको तो फाइलम निमेटोडा में तो आपको मोस्ट ऑफ दी पैरासाइट देखने मिलेंगे ये रॉ मीट नहीं खाते ह्यूमन विंग्स को

सबसे बड़ा इसका सिम्टम होता है है होता, के यदि इसका मतलब डीवॉर्मिंग करना चाहिए और जनरली क्या होता कि एन, एनल होने पर ये जो है कि फिंगर्स में आते हैं और उससे फिर जो है आगे दूसरे में फैल जाते हैं खाने पीने की वस्तु को टच करेंगे वहां से ये दूसरे को पहुंच जाते हैं ठीक है तो चलिए तो आज हम जो फाइलम देखने वाले हैं वो क्या बेटा वो है से से सेलिटोडा के बारे में हम बात करने वाले हैं ना ठीक है देखो अब आप बोलोगे सर पहले दस मिनट आप क्या बताते हो एक्चुअली मैं वो बताता हूं जो फाइलम पढ़ने वाले हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों जानना जरूरी है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग फिर जानकारी याद रह जाएगी हमेशा के लिए यदि रटने बैठेंगे तो कभी कुछ याद ही नहीं होगा बेटा ठीक है चलिए तो फाइलम फाइलमिंथस को क्या बोलते हैं बेटा है? है भी बोलते हैं नीमा मतलब होता है थ्रेड, मतलब होता है है थ्रेड मतलब वर्म और ये राउंड वर्म भी कहलाते हैं और मैंने कहा ना बेटा कि वर्म्स की स्टडी को हेलमिंथोलॉजी कहते हैं क्लियर ठीक है एंशियन पीपल वे फेमिलियर विथ सर्टेन लार्ज साइज निमेटोडा

फिर रुडोल्फी नाम के साइंटिस्ट ने इनको एक निमेटोइडिया नाम का ग्रुप बनाया उन्होंने और उन्होंने कहा सारे के सारे वर्म जो है वो निमेटोइडिया के अंदर आते हैं के, फाइनली गगेनबार ने जो है टर्म निमेटे को प्रस्तुत किया अब ये क्या ये है बेटा ये पुराने है ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें पूछे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उनमें पूछे गए क्वेश्चन है तो हमें यह पता होना चाहिए देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पहले जो अभी आज के तीन चार साल पहले जितने एग्जाम पिछले दस साल में होना उनमें कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन आया हुआ वो क्वेश्चन का हमें एटलीस्ट आंसर पता हमको होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होना चाहिए ताकि जब नया पेपर में कभी कभी एग्जामिनर जो है वो कुछ कुछ ट्विस्ट करना चाहे तो वो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन को ही दिमाग दिमाग में रखेगा और के इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ठीक है ना तो मैंने क्या कहा गगेन -का? बार ने जो है इनको हेलमिंथस टर्म को प्रस्तुत किया ठीक है

और के देखिए इनमें इनमें आपको सब प्रकार का mode of life, इनमें जीवन का, का जो तरीका है सब देखने मिलेगा ये फ्री लिविंग हो सकते है। दे में भी फ्री लिविंग, हैं ठीक ठीक है है कई सारे ऐसे होते हैं जो लिविंग भी होते हैं ठीक है कई सारे ऐसे होते हैं जो कि एक प्रकार से हम कहते हैं जो जमीन में मिलेंगे मिट्टी में मिलेंगे रूट पैरासाइट होते हैं कई तरह के ऐसे होते हैं जो कि रूट पैरासाइट होते हैं ठीक है कई ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के पैरासाइट होते हैं के तो कई ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर देखने मिलेंगे तो हो सकते हैं देखिए हाँ ये फ्री स्थली हो सकते हैं और यह पर्जी हो सकते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के पैरासाइट ये हो सकते हैं क्या याद रखिए तो ये कोई ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं है कि हम बोले कि एक्सक्लूसिव एनिमल पैरासाइट है या एक्सक्लूसिव प्लांट पैरासाइट है ये प्लांट और एनिमल दोनों के पैरासाइट हो सकते हैं ये हो सकते हैं और ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं ठीक है

ट्रल सिमेट्री है प्लेटी से हो चुकी थी. और जब जब भी होगी नर्वस सिस्टम से अधिक इवॉल्व होता है इनके सेंस ऑर्गन प्लेटी हेलमिंथस से अधिक इवॉल्व होंगे कॉमन सी बात है बेटा इवोल्यूशन में हम आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे थी है. मैंने कहा था सारे के सारे वर्म जो होते हैं ट्रिप्लो प्लास्टिक होते हैं ठीक है थीके? कोई भी वर्म ऐसा नहीं हो ठीक है ना ठीक फिर मैंने ये भी कहा था बेटा आपसे कि ये सीडो सिलोमेट एनिमल इनकी इनके पास में सीडो सीलोम होती है जो कि ब्लास्टोसील से डेवलप होती है मिजोड्रम से चारों ओर से कवर नहीं होती है ये स्प्लिटिंग ऑफ मिजोड्रम से ये नहीं बनती है इसको सीडो सीलोम कहते हैं सीडो सीलोम वाला एकमात्र फाइलम है एस्केलमिंथस या ठीक है ना क्लियर देखिए बेटा

एक माउथ देखने मिलेगा माउथ के पीछे आपको देखने मिलेगा ठीक है ना माउथ के पीछे आपको देखने मिलेगा जो फूड को लेने में हेल्प करेगा तो इसमें मतलब आपको एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है मतलब इसमें आपका माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है दो ओपनिंग है इसमें ठीक है अभी तक देखिए इसके पहले प्लेटेस में भी क्या था कि ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान था सिलेंडेटा में भी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान था तीनों टीनोफोरा में आपको एनल पोर देखने मिले थे याद है ना में एनल पोर देखने कंप्लीट का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था ठीक है एन एक्सक्रिट्री ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्टेज फ्रॉम दी बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रिट्री पोर अब देखिए ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो इनमें याद करो आपको प्लेटी हेलमिंथस में प्लेटी हेलमिंथस की बात करें तो प्लेटी हेलमिंथस में फ्लैट वर्म में एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट थी क्या प्रेजेंट थी फ्लेम सेल्स प्रेजेंट थी यहां पर फ्लेम सेल्स नहीं होती है यहां पर आपको एक एक्सक्रिटरी ट्यूब देखने मिलेगा आपको जो बॉडी से बॉडी कैविटी जो सीडोसिलोम से बाहर की ओर ओपन होगा और इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे एक्सक्रिटरी पोर बोलेंगे तो याद रखना कि किस फाइलम में आपको एक स्पेसिफिक एक्सक्रिटरी पोर देखने मिलता है जो बॉडी कैविटी से बाहर खुलता है तो वो स्पेसिफिक एक्सक्रिटरी पोर आपको राउंड वर्म में देखने मिलता है जिस, तो काम करते हैं समझ लेते हैं कैसा होता है डायग्राम देखिए देखिए

ऐसे ये बाहर की तरफ आप देखिए ओपन हो रहा है ठीक है ना ये हमको एक्सक्रिटरी पोर दिखाई पड़ रहा है ठीक है ना तो बॉडी के बेटी बाहर की तरफ ओपन होती है एक्सक्रिटरी ट्यूब और ये जो पीछे लगी हुई ट्यूब देख रहे हैं वो क्या वो एक्सक्रिटरी ट्यूब है एक दूसरा इमेज भी देखते बेटा यहाँ पे ठीक है ज्यादा बेहतर समझ में हमको आएगा देखिए ना माउथ देख रहे हैं आप माउथ के बाद आप इसमें जो है फैरिंग्स देख रहे हैं आप मस्कुलर फैरिंग्स दिखाई पड़ रहा है आपको पे नर्व रिंग दिखाई पड़ रहा है आपको नर्व रिंग दिखाई पड़ रहा है तो दिखाई पड़ रहा है इसमें आपको और देखिए गौर से ये एक ट्यूब है ये एक ट्यूब है ये 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 एक एक ट्यूब ट्यूब आया और ये ट्यूब ऐसे बाहर की तरफ ये ओपन हुआ ठीक है ना बॉडी कैविटी से ट्यूब बाहर की तरफ ओपन हुआ ये क्या है एक्स जो ओपनिंग है उसे एक्सक्रिटरी पोर कहते हैं और अंदर वाली ट्यूब को उसको एक्सक्रिट्री ट्यूब कहते हैं दिस इज दी एक्सक्रिट्री ट्यूब ये क्या है ये एक्सक्रिट्री ट्यूब बेटा है ना याद रखना ना ये बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है एनसीआरटी का आपको याद रखना पड़ेगा इसको ठीक है फिर सेक्सेस आर सेपरेट मेल और फीमेल यहां पर अलग अलग होते हैं डायोसि यहां पर हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज नहीं किया बाइसेक्सुअल वर्ड यूज नहीं किया मतलब डायोसिस का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पार्टनर की रिक्वायरमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टू दो जीवों की रिक्वायरमेंट हो एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा के डाई मतलब दो होता है जब दो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे मतलब मेल और फीमेल तो उसे बोलेंगे इसमें तो सेक्सुअल से है मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग हमें दिखाई पड़ेंगे पेट के फीमेल जो है मेल की तुलना में लॉन्गर होती है अधिक लंबी होती है मतलब इसमें हमको सेक्सुअल डाइमोरफिज भी देखने मिलेगा हमें लैंगिक द्वीरूपता भी देखने मिलेगी हमको कि आप मेल और फीमेल को अलग अलग से आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे फीमेल का साइज मेल से बड़ा होता है राउंड बम के अंदर ठीक है फिर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होगा मेल और फीमेल को करेंगे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है डेवलपमेंट यहां पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट uh, दोनों प्रकार का हो सकता है डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सीधे जो है सीधे वर्म प्रोड्यूस होंगे बीच में कोई भी लार्वा अवस्था या बीच में कोई भी आपको दूसरी अवस्था देखने नहीं मिली कोई भी लार्वा या बीच की अवस्था आपको देखने नहीं मिलेगी सीधा संतानों को उत्पन्न करेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट हमको देखने मिल सकता है यहाँ पर ठीक है लार्वा अवस्था देखो बेटा डायरेक्ट का मतलब है नो लार्वा लार्वा यहां पर नहीं बनेगा इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वा फॉर्मेशन ठीक है एग्जाम्पल क्या है इसके एस्करिस राउंड वर्म कॉमन राउंड वर्म है बुचरेरिया

देखते हैं मतलब बड़े खतरनाक में जो वह है ये भी बड़ा खतरनाक होता है राउंड वम भी खतरनाक होता है हुक भी बड़ा खतरनाक होता है इसके अलावा कई और वम है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे

जो रिलेवेंट चैप्टर है उनको भी यहां पर मैं डिस्कस करता हूं आगे चलूंगा बेटा ठीक है ना

जो बच्चों का किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया उसके लिए मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ शायद मैं उनको उतना मोटिवेट नहीं कर पाया शायद मैं उनको उतना प्रेरित नहीं कर पाया कि वो पढ़कर अपनी मंजिल तक पहुँच सकें तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा उन सारे बच्चों से कि बेटा मुझे आप जो है वो अपने साथ रखिए आप मेरे साथ रहिए हम दोनों मिलकर चलेंगे ना तो एग्जाम में फोड़ कराएंगे के

उस लेवल तक ना पहुंच जाए कि सिलेक्ट हो जाए तब तक मैं साथ चलता रहूंगा आपके चलता रहूंगा ठीक है तो देख रहे हैं हम यहां पे हमको दिखाई पड़ रहा है बेटा मेल और फीमेल को हम यहां पर देख रहे हैं बेटा तो हम जो है देखिए फीमेल लॉन्गर इन दिखाई पड़ रहा है हमें डायग्राम में ठीक है फिर आप देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फाइलेरिया आपको बता दू मैं कि फाइलेरिया जो होता है ये बड़ा खतरनाक है एलिफेंटस और ये लिम्फेटिक वैसे ये आपको पता होगा हमने बात किया हुआ कहां पर ह्यूमन हेल्थीज में ये लिम्फेटिक वेसल्स को ये लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक करता है जब ब्लॉक करता है तो वो लिम्फेटिक वेसल के थ्रू जो लिम्फ है वो आगे नहीं बढ़ पाता तो एक जगह पर लिम्फ इकट्ठा होने लगता है और वो पेड़ फूल लगता है कई बार टेस्टिकल साइज में फूल जाते हैं ठीक है और जो है इसका तो फाइलेरिया की जांच करनी होती ना, आपको, आपको बोलते है इसको या -के, तो इसकी हमें जांच करनी पड़ती है तो हम क्या है करते है हैं बेटा उसके लिए हम रात को ब्लड सैंपल लेते हैं रात को ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें हमको माइक्रो फाइलेरिया देखने मिलते हैं यहाँ पे ठीक है ना एडल्ट वर्म देख रहे हैं यहां हम के मॉस्किटो ठीक है Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. ठीक है फिर आप देख रहे हैं हुक वर्म देख रहे हैं एंकाइलोस्टोमा ड्यूडोन के आप देखिए इसका मुंह देखिए गौर से के, कितना राक्षस के समान डरावना दिखाई पड़ रहा है कि इसका जो है हुक है इसके इसमें इसके ये हुक दिखाई पड़ रहे हैं आपको ये ठीक है ना इसके थ्रू ये आपके पे, पे, जो है वो स्किन को पकड़ लेता है छेद करके बॉडी में चला करके और इसका जो लार्वा होता है वो रेबडिटी फॉर्म लार्वा इसका इन्होंने इसका जो इन्फेक्शन स्टेज है वो क्या है वो रेबडिटी फॉर्म लार्वा इसमें होता है देखने हमको मिलता है ठीक है देखो बेटा एनिमल किंगडम की जितनी भी परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में डाल रहा हूं वो सारी आपको एक या दो बार पढ़नी है ठीक है जितने भी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सीट में एनिमल किंगडम की डाल रहा हूं उसमें ऐसी जानकारी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के के क्वेश्चंस को हमने स्टेटमेंट बना के लिया हुआ तो एक बार सीट को जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है हर चीज को हम लेक्चर में सो परसेंट देखिए जो एनसीआर सो परसेंट कवर करते हैं बफर सिलेबस भी कवर करते हैं लेकिन तब भी कुछ पॉइंट के लिए हमें परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सीट पढ़ना चाहिए उसको मिस मत किया करो ठीक है क्लियर चलिए थोड़ा सा और इनसाइड जाके बात करेंगे हम क्योंकि ये मैंने क्या कहा आपसे बेटा क्योंकि जो है निमेटा हेलमिंथस जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का भी एक मैटर है तो थोड़ी सी जानकारी हमको और डिटेल में इसकी जुटानी पड़ेगी ठीक है जैसे मोस्टली लिमिटा हेलमिंथस जो है छोटे साइज के होते हैं

ठीक है जो न्यूक्लियस होते हैं इनको बोलते हैं टैपरिंग एंड इसके लिए हम हाँ टैपरिंग एंड वाली यूज करते हैं टैपरिंग का मतलब था सिरे पर नुकीला के टैपरिंग एंड देखने मिलते हैं दोनों सिरों के अनसेगमेंटेड बॉडी में सेगमेंट आपको देखने नहीं मिलता है निमेटाइलमेंटस में ठीक है फिर इनकी बॉडी बॉल जो होती है वो थिक होती है

इनका एलिमेंट्री कैनाल स्टेट सीधा होता है जिसमें सिरे पर माउथ होता है दूसरे सिरे पर इसमें एनस होता है मतलब यह है कि यह पहले एनिमल है एनिमल किंगडम में पहला एनिमल जिसके अंदर कंप्लीट गट बनता है कंप्लीट इंटेस्टाइन देखने मिलता है पहला एनिमल जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने मिलता है वो है के ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने मिलता है इसमें एक ट्यूब हो गया और अंदर जो है एलिमेंट्री कैनाल दूसरा ट्यूब हो गया आपको के ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने मिलता है क्लियर फिर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं इसमें नहीं देखने मिला हमने बात नहीं किया उसका हमने ठीक है फिर सिंपल एक्सक्रिटरी सिस्टम देखने मिलता है जो प्रोटोनेफ्रिडिया से बना होता है जिसमें कि एक्सक्रिटरी इसमें जिसमें क्या होता है जिसमें कि एक्सक्रिटरी जिसमें कि एक्सक्रिटरी ट्यूब होता है इसके अंदर जो एक्सक्रिटरी पोर से बाहर की ओर खुलता है है ना बेटा ठीक है फिर इसमें सिंपल और कॉम्प्लीटेड सेंसरी ऑर्गन राउंड वर्म ऐसे सिंपल सेंस ऑर्गन देखने मिलेंगे कुछ में सेंस ऑर्गन देखने मिलेंगे और इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखने मिलेगा अब क्लियर कर दू मैं जो फ्री लिविंग होगा जो वर्म फ्री लिविंग होगा इनवायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहा होगा उसमें सेंस ऑर्गन अधिक डेवलप होंगे और जो पैरासाइट होगा उसमें सेंस ऑर्गन कम डेवलप होंगे ठीक है ना फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है यूनिसेक्सुअल होते हैं सेक्सुअल डाइमोर्फिस देखने मिलता है मेल और फीमेल अलग अलग होता है ठीक है डायोसिस होते हैं और इनमें हमको सेक्सुअल डाइमोर्फिस मेल और फीमेल को अलग अलग हम पहचान सकते हैं हम ठीक है देखिए आप

अपने-ने ओपनिंग दिखाई पड़ेगी ठीक है देख क्लोइकल हैं से सीमन को वो बाहर रिलीज करते हैं ठीक है देखिए फीमेल हिस्सा देखते हैं इसमें आपको ओवरी भी दिखाई पड़ रहा है ओवी डक्ट भी दिखाई पड़ रहा है आपको इसमें के क्लियर ये कहने का मतलब है कि रिप्रोटिव सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड प्रकार का

जो वर्म जो कॉम एस्करिस और एंट्रोम दोनों के दोनों कॉमन वर्म होते हैं ठीक है अदर कॉमन कॉमन ह्यूमन लिमिटेड आर बुचरेरिया फाइलेरिया बुचेर फा होता है ट्राइनला से ट्राइचिनोसिस होता है बेटा एंकाइलोस्टोमा से हुई होती है तो याद रखना है ये सब इंपॉर्टेंट है बुचलेरिया जो होता है फाइलेरिया करता है मैंने बताया ना बेटा को फाइलेरिया में या एलिफेंटसिस में क्या होता है लिम्फेटिक जो ग्लेड जो जो डक्ट होती है उसको ब्लॉक करता है वॉर्म और इसके चलते लिम्फिकट्टा होने लगता है पेड़ फूल जाते हैं जनरली जो है वो पेड़ फूलते हैं या टेस्टिकल फूल सकते हैं या बॉडी का कोई दूसरा ऑर्गन इसमें फूल सकता है ठीक है ट्राइचे होता है और एंकार डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिव होता है फिर अब इंटरेस्टिंग बात है कि अभी यदि हम थोड़ा सा

ताकि हम सेफर जोन में अपने आप को फील करें के सेफर जोन हमको मिले सेफ्टी नेट हमको मिले इसके लिए इसलिए एक बार सुन लिया करो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ऐसा करते हैं सर वाह देखो बेटा मेरे लिए सबसे आसान तरीका है कि मैं सिर्फ एनसीआरटी का एक पैरग्राफ बांचने के बाद निकल जाऊंगा यहाँ से देखा? लेकिन मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मुझे आपका सच्ची में सिलेक्शन चाहिए वास्तविक अर्थों में मुझे सिलेक्शन चाहिए और मुझे मालूम है कि उसके लिए हमको सेफ्टी नेट पर रखना पड़ेगा क्योंकि हम रिस्क नहीं ले कि वी आर नॉट एट दी पॉइंट यहां पर रिस्क ले लें हम यहां पर हमारे पास में कोई क्योंकि एक, एक छोटी गलती का मतलब एक साल फिर से रिपीट करना तो हम

फॉर्समिड हमको देखने मिलता है और जिसमें देखने नहीं मिलता वो ए फॉस्मिडिया भले ही अब आप क्लास भूल जाए कोई दिक्कत नहीं एक बार मैं मैं अपनी तरफ से आपको सुना देता हूं बता देता हूं भूल भी जाएंगे तो एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा बेटा लेकिन एटलीस्ट पढ़ा होगा तो हमारे मन में डाउट डाउट ये हम एकदम हम से ब्लाइंड नहीं होंगे क्या आ गया है

इसमें हमको एस्क्रेस हम देख रहे हैं यहां कि हमको कुछ स्पेशल टाइप के uh, के हमें सेंस ऑर्गन देखने मिलते हैं ठीक है थीके? और कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन देखने मिलते हैं जैसे मैंने कहा आपको एम फेड लेवियल पैपिली सेफेलिक जेनेट अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे इतना याद रखिएगा कि एस्कर में आपको कुछ कुछ रिसेप्टर्स देखने मिलते हैं है, है, है। एम देखने मिलता है एम आपको एक्सक्रेस में देखने मिलता है लेवियल पेपिली देखने मिलती है क्या ठीक चलिए इतना याद रखें फिर तो ये स्पेशलाइज ये स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन होते क्या है

ये क्या हो गया ये इसका वेंट्रोलेट्रल लिप हो गए, दो लिप नीचे होते हैं तो इसके पास हमें यहाँ पे देखने देखने इसके पास हमें यहाँ पे ये यह देखने मिलते है ये इसका यदि माउथ देखें हम इसके यदि माउथ को देखें हम तो हमें से

को ले पाना देखिए कहां शुरुआत हुई किस तरह की फाइल के फॉस्मिड क्या होते हैं फास्मिड जो होते हैं यूनिसे ग्लैंड होती है एक कोशी ग्रंथियां होती है वन एट टेल बिहाइंड दी एन के ये कहा होता है टेल वो देखो का, वो जो जो काउथ था एम्फिड के पास था जो फॉसमिट है वो टेल के पास में NS के पास में होता है बेटा के उप, टेल नहीं बोलेंगे टेल जो होता है पोस्ट एनल टेल तो हमको देखने था, तो टेल वाला पिछले हिस्से को टेल बोल सकते हैं पोस्ट एनल टेल मत बोलना कंफ्यूज मत करना उससे ठीक है बेटा नॉर्मल पिछले हिस्से को टेल बोलते हैं इसमें तो उसकी जो ओपनिंग है एनएस उसके पास हमको देखने मिलते हैं ये भी छेद के समान होते हैं और ये कीमो रिसेप्टर होते हैं तो फॉसमेड क्या होते हैं कीमो रिसेप्टर होते हैं ठीक है जबकि एमफिड क्या होते हैं ऑल्फेक्ट्री कीमो रिसेप्टर गंध को ले सकते हैं ये केमिकल को सेंस कर लेते हैं ठीक है अब क्लास में क्या आता है बेटा ठीक है अब फॉस्मिडिया क्लास में आपको स्पेशल सेंस ऑर्गन जो है फॉस्मिड और एम्फिड दोनों आपको देखने मिलेंगे कॉर्डल ग्लैंड जो है वो एबसेंट होगी कॉर्डल मतलब सबसे पीछे एनएस के पास मिलने वाली ग्लैंड को हम कॉर्डल ग्लैंड होते हैं ठीक है ना क्लियर तो एस्करिस

रिसेप्शन में इन्वॉल्व है फूड को लेने के लिए ये बॉडी बैलेंसिंग में मूवमेंट में स्लाइड देखने में हेल्प नहीं करते ये क्या हेल्प करते हैं ये हेल्प करते हैं केवल किस चीज में फूड को लेने में कि कौन सा फूड हमें जो है अपने होस्ट से लेना है ठीक है ए फॉस्मिडिया में आपको जो है क्या देखने मिलता है आपको इसमें जो है वो फॉसमेड देखने आपको इसमें नहीं मिलते हैं और बेसिकली ये फ्री लिविंग होते हैं इनको जरूरत तो नहीं है इनको जो है इनक ये जो इनको है इनके पास में ये चूंकि होस्ट से सीधा सीधा पचा हुआ केमिकल या फूड नहीं ले रहे होते इसलिए इनको जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो फॉस्मिट इसमें देखने नहीं मिलता है एम्फिड हालांकि इनके पास में होता है ठीक है और इनमें कॉर्डल ग्लैंड पाई जाती है और एग्जाम्पल इसका है इनो प्लस और डेस्मोलॉक्स के एक्साम्पल होते हैं एग्जाम्पल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हेयर पर नोट कर लेंगे अच्छा होगा बेटा कभी कभी मैच दी कॉलम में इस तरह के उठ पटांग एग्जाम्पल आते हैं है ना? मैं तो उसको उठ पटांग इसलिए बोलता हूँ कि ये ये चुकी क्या होता है एनसीआर में नहीं रखा है और थोड़ा सा एक अपर लेवल की चीज है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछती जाती है इसलिए पता होना चुके मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ बेटा और मेरा ये फंडा है बचपन से मेरा एक प्रिंसिपल रहा है कि जब आप किसी वॉर में एग्जाम में चुनौती वाले माहौल में होते हैं ना तो जो एक्सपेक्टेड तैयारी है उसके ऊपर आपकी तैयारी चाहिए क्योंकि आपका कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस ड्रॉप तो नीचे होता है लेकिन जब वो कुछ ड्रॉप भी होता है ना तो वो जो एक्सपेक्टेड तैयारी के ऊपर रहता है वो बस वही हमारा लेवल है कि से हम टॉपर बनते हैं पता है आपको कि मैं आपको बता दूं कि मैंने जॉन हॉपकिंस का एग्जाम होता है पीजी इन डायबिटीज दा, दा, का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन डायबिटीज का एग्जाम होता है आई स्कोर इन ग्लोबल एग्जामिनेशन के मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था क्योंकि तो जो रिक्वायरमेंट थी उस एग्जाम की उसके लिए मैंने जो है वो एग्जाम होने के मैंने छह महीने पहले तैयारी शुरू किया रोज में दो तीन घंटा पढ़ता था के, और मैंने जितनी डायबिटीज की किताबें अवेलेबल थी सारी पढ़ डाली मैंने सारी किताबें पढ़ डाली सारे रिसोर्स देख डाले मैंने सारे गाइडलाइन पढ़ डाले मैंने और मैंने दिमाग

तो फंस जाता है लेकिन ये कई बार बड़ी कुसंख्या में होते हैं तो फंस भी जाते हैं ये लोग

और वर्म अपने आप को डाइजेस्टिव जो होस्ट के पाचक एंजाइम होते हैं उनसे वर्म अपने आप को बचा पाता है ठीक है फिर जैसे याद हो आपको कि जो प्लेटी हेलमिट था टैब वर्म था उसके अंदर आपको स्कोलॉक्स देखने मिला था

तभी आप ट्रेडमिल पर चले ट्रेडमिल में क्या ट्रेडमिल की स्पीड की? आपने ऑन आपने किया, तो आप तो आप तो से बाहर फीका जाएंगे आप भाई ट्रेडमिल है ना दिखा होगा ट्रेडमिल के ठीक है ठीके? एक आदमी ट्रेडमिल इस पर एक आदमी चल रहा है ठीक है आगे की ओर चल रहा है ठीक है तो ट्रेडमिल पे चल रहा है तो ये अपनी जगह पर ये ट्रेडमिल में इसका मूवमेंट इस तरफ है तो एक आदमी अब क्या करता है ट्रेडमिल पर बने रहने के लिए जो स्पीड ट्रेडमिल सिक्स किलोमीटर की स्पीड चल रहा है तो आदमी को भी सिक्स किलोमीटर की स्पीड पर चलना पड़ेगा ताकि वो अपनी जगह पर बना रहे यदि वो स्लो हो जाएगा तो बाहर पीछे जाएगा ऐसा होगा ना ठीक है इसका मतलब ये है कि ये इंटरस्टाइन में अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए यदि इंटरस्टाइन का मुका परिस्था से मूवमेंट होता है तो ये आगे मूव करते हैं और अपनी जगह मेंटेन करते हैं इनके पास में क्या होता कोई हुक नहीं है कोई सकर नहीं है तो ये अपनी पोजिशन को मेंटेन करते हैं बाई दी मूवमेंट मेंटेन करते हैं ठीक है एज पैरासाइट फीड ऑन डाइजेस्टेड एंड प्रीडाइजेस्ट फूड ऑफ दी होस्ट इट्स एलिमेंट्री कनाल इज सिंपल एंड पुअरली डेवलप बट फैरिंग्स बीग मस्कुलर फैसिलिटेड इंजेक्शन वाइज सेक्ट्रोलेक्शन के इनके मुंह में फैरिंग्स जो माउथ वाला होता है जो फूड को सक करता है ये पचे हुए फूड को आंशिक पचे हुए फूड को को लेते हैं ठीक है हालांकि इनका भी एलिमेंट्री कनाल क्योंकि फूड पहले से पचा पचा हुआ आता है पार्सली डाइजेस्ट आता है तो बहुत डेवलप एलिमेंट्री कनाल की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है पर तब भी इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल देखने मिलता है और इनके पास एक अच्छा सा माउथ होता है पावरफुल माउथ होता है जो फूड को सक कर सकता है ठीक है फिर सर्कुलेटरी टरी सिस्टमेंट इनमें कोई भी तरह का हमने जो है आ, कोई भी सर्कुलर सिस्टम की बात नहीं की यहां पे हमने नहीं होता है इसमें इसलिए इनमें जो फूड होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा यानी बॉडी के सभी टिश्यू को फूड कैसे पहुंचेगा तो इसके लिए क्या होता है इसके लिए इनमें जो हमको के के इनके सीलोम अंदर एक द्रव भरा होता है सीडोसिलोम के अंदर लिक्विड भरा होता है कहते हैं ये एक प्रकार से फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है ठीक है ना और वेस्टिस को बाहर निकालने के लिए क्या होता है बेटा वो एक्सक्रीटरी केनाल होता है उसके थ्रू को बाहर निकालते हैं क्लियर मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज एनारोबिक याद रखिएगा बेटा इनमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है और तो इसीलिए क्या होता है सर्वाइव कर सकते हैं तो मोड ऑफ इसका क्या होता? वो होता है आवाई भी होता है याद रखिएगा ठीक है क्योंकि ये sheltered life. Sheltered life का मतलब क्या होता है इनसाइड होस्ट के ये होस्ट के अंदर रहते हैं यहां पर कि कोई बड़ा केमिक, बड़ा इन्वायरमेंटल चेंज कभी होता नहीं है इसलिए इनको कोई भी स्पेसिफिक सेंस और उनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है इनके और Parasite का एक सबसे बड़ी बड़ी यूनिक के होता है कि बड़ी संख्या में एग प्रोड्यूस करता है उसे मालूम है कभी भी मर सकता है होस्ट, हो, होस्ट खतरा तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ एग कंपेंसेट दी वेस्टेज ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम टू न्यू होस्ट के तो इसलिए ये बड़ी संख्या में जो है वो एग प्रोड्यूस करता है इसीलिए जो है कहते ना खुले में मल नहीं करना चाहिए जो ओपन जो खुले में सोच नहीं करना चाहिए मतलब ओपन डिफेकेशन का विरोध करती गवर्नमेंट कहती भैया आप आपने घरों में शौचालय बनाई है आपके एक मूवी आई थी हिंदी मूवी देखा होगा आपने टॉयलेट अक्षय कुमार की मूवी थी बड़ी अच्छी मूवी थी टॉयलेट आज भी गांव के अंदर वैसी कंडीशन है कि लोगों को गांव के अंदर लगता है कि ओपन में डिफेक्शन करना जो है बेटर है और कई गांव के लोगों को जो है टॉयलेट जो है उनको भाता ही नहीं है ऐसा मैं खुद मैंने देखा है गांव के लोग अभी मुझे नहीं मालूम प्रेजेंट सिनेरियो क्या है काफी दिन से मैं गांव नहीं गया सात आठ साल से लेकिन मैंने देखा है कि हाँ विलेजेस के अंदर आज भी ये कंडीशन है कि लोग सोचते हैं जबकि क्या होता है ओपन डिफिकेशन था जितने भी एक थे ना वो वो मिट्टी में मिल जाते हैं और उसमें यदि कोई मान लो कोई कोई चीज कोई खाने पीने का आइटम गिर गया या कोई मक्खी वहां बैठी वहां से जो है खाने पाकर बैठ गया तो ऐसे ही तो जो है वो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता है ठीक है इनके जो एग होते हैं उनमें हार्ड कवरिंग होता है और ये इसको जो है वो इन्वायरमेंट के हजार से बचाने की कोशिश करते हैं ताकि इन्वायरमेंट डैमेज ना कर, तो इनके एग जो है वो लंबे समय तक जो है वो मिट्टी के अंदर रह सकते हैं ठीक है अब देखिए जो कॉमन राउंड वर्म है जो कॉमन राउंड वर्म है बात करते हैं, इसका लाइफ क्या होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग है और पहले ऑल इंडिया पीएमटी में इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं

और कर दिया इन्होंने लेवल तो तो एनटीए को ये सोचना पड़ेगा एनटीए इस बार सोचने को मजबूर है मैं कह दूं आपको कि यदि मैं एनटीए में होता यदि आप खुद एनटीए के अफसर होते आप एनटीए में काम कर रहे होते ना तो आप खुद सोचते कि यार ये तो कुछ ज्यादा है ना थोड़ा पेपर को ठीक से बनाते हैं थोड़ा सा एफर्ट करते हैं पेपर में दस पांच क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जिसमें थोड़ा कंपटीशन मिले बच्चों को तो ये जो 720 आउट ऑफ 720 दो बच्चों का आया तो इसको रोकने के लिए इतने ऊंचे कट ऑफ रोकने के लिए जो है वो एग्जामिनेशन बॉडी और ये साइकोलॉजी होती है कि भाई ठीक है पेपर तो अच्छा बनाए जो जिसको टॉप करना वो तब भी बच्चा 720 आ सकता है तब भी पढ़ने वाला बच्चा ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी लेकर आ सकता है पेपर अच्छा बने बने लेकिन क्या होता है आप बोलोगे सर पेपर अच्छा बनेगा तो भी करेगा बच्चा सरल बने तो भी करेगा फर्क इतना होता है कि सरल पेपर में होता है कि एक नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं ठीक है उससे क्या होता है उससे जो ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि एक क्वेश्चन पे सेम नंबर पे एक की रैंक जो है वो पचास है दूसरे की रैंक जो है वो आप हो सकता है उसी नंबर पे बाकी इक्यावन बावन त्रेपन सेम नंबर पे इस बार कई बच्चों के एक ही मार्क्स है और रैंक जो है वो सेम यानी सो, -सो बच्चों की एक, एक ही नंबर पर रैंक आई हुई है कि एक सौ रैंक आगे एक रैंक पीछे लेकिन जब पेपर का लेवल अच्छा होता है तो वहां पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये थोड़ा सा लंबा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे फिर वो नंबर थोड़े से वेरी कर जाते हैं वहां पे, ठीक है ना क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने पे, पे, मैं सा, सालों से नीट से एग्जाम देखता आ रहा हूं तो मुझे मालूम है कि जो है वो एग्जाम का लेवल होने पर क्या तो देखिए अब आपके पॉइंट ऑफ आप व्यू बोलूंगा विपर तो मीडियो कर या आसान पेपर बढ़िया पेपर आना चाहिए एनसीआर से आना चाहिए बेस्ट बेस्ट चीज है लेकिन अभी हमको मेंटली तैयार रहना चाहिए कि भाई हाँ जो पुराने क्वेश्चन पहले फिफ्टीन जैसा पेपर आ गया तो क्या करेंगे फोर्टीन जैसा पेपर आ गया तो क्या करेंगे सिक्सटीन जैसा पेपर आ गया तो क्या करेंगे ना क्योंकि देखो चार कोई बहुत पच्चीस साल पुरानी बात तो है नहीं है चलिए

लार्वा जो होता है वो एक शेल की एक का जो कवर उसके अंदर लार्वा डेवलप होता है और अपने को दो बार वो मोल्ड करता है लार्वा की दो बार मोल्डिंग दो बार मोल्डिंग करता है फिर अभी क्या है एक के अंदर लार्वा प्रेजेंट है एक के अंदर प्रेजेंट है और लार्वा का नाम क्या है रेबडिटी फॉर्म लारवा कौन सा हैवा है ठीक है आप इसको आदमी ने निगल लिया कैसे चला गया है हाँ, के के। इंटेस्टाइन ये, ये, ये ये लार, ये में छेद करेगा बोरिंग करेगा छेद करेगा इंटेस्टाइन में वो। और क्या करेगा छेद करके मिजेंट्रिक वीन तक पहुंचेगा इंटेस्टाइन की जो वीन्स होती है उन्हें मिजेंट्रिक वीन कहते हैं वहां पहुंचेगा वहां से कहा पहुंचेगा

पलमरी आर्टरी में गया ये हार्ट और वहां लंग्स से मुझक के लंग्स में जाके आप सोचिए लंग्स से मुझा लंग्स के अंदर लंग इसीलिए कई बार क्या होता है कई बार लंग्स से पहुंचता है और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो खांसता है जोर से उसे अजीब सा इरिटेशन होता है और मुंह से कृमि बाहर निकल आता है मेरी एक कजिन सिस्टर है उसको एक को बचपन में वर्म इन्फेक्शन एस का हो गया एक दिन उसको गले में तकलीफ उसको ऐसा रेस पर सांस में प्रॉब्लम हुआ ठीक है कुछ दवाएं डॉक्टर ने एक दिन वो खांसते खांसते उसको जो है वो कृमि मुंह से बाहर आ गया सात दिन तक वो खाना नहीं खा पाई डर गई बहुत ज्यादा वो, बड़ा फियर उसको आ गया, फिर डॉक्टर ने समझाया कि ये लार्वा ऐसा 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 होता, ऐसा होता, ऐसा होता के। तब जाके वो वहां पे थर्ड मोल्डिंग हुआ उसका थर्ड मोल्डिंग हुआ ये, उसके बाद क्या गया ये ब्रोंकियोस में गया ब्रोंकस में गया ट्रेकिया में आ चुका है सोचिए यहां से ही तो बाहर निकलेगा वो ट्रेकिया में जैसे इरिटेशन हुआ खांसी चला तो बाहर आ गया उठ के फिर इसोफेगस वहां से कहा गया सोचिए उसने आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकल के वो इसोफेगस में इंटर कर रहा है कृमि इसोफेगस में गया और इंटेस्टाइन में इसका फोर्थ मोल्डिंग हुआ और ये एडल्ट बन गया कितना खतरनाक है इसका आप देखिए ना कि एस्करिस कॉमन जो राउंडवर्म है उसका इंफेक्शन कितना खतरनाक है कैसे इसीलिए प्लीज टेक प्रॉपर प्रिकॉशन की खुले हुए भोजन को ना लें, बगैर अच्छे से धोए हुए सब्जियों को ना खाएं आपके और इसके थ्रू ये फैलता के थ्रू फूड और वाटर थ्रू ये फैलता है आपके फर्टिलाइज एक बाहर निकला ठीक है उसने फूड को वाटर को इन्फेक्टेड किया आदमी ने ने सोलो कर दिया है उस एक एक के अंदर जो है वो आ, लार्वा लार्वा प्रेजेंट था बाहर निकला जाके उसने अपना थर्ड मोल्डिंग किया उसके बाद क्या किया वहां से पहुंचा वो इंटेस्टाइन से इंटेस्ट के अंदर फोर्थ मोल्डिंग रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम बेटा किसकी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, है, है? है निकेटर को भी बेटा हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा घाट के पर इसके अलावा कई बार ऑप्शन में निकेटर भीट के बुचरेरिया फाइलेरिया वर्म है ठीक है एंटरबियस या ऑक्सीटोरिस क्या है पिन वर्म होता है ट्राइचोरिस कहलाता है ड्रेगन क्लस गिनी वर्म होता है नारू रोग बोलते हैं इसको कॉमन नारू रोग या गिनी वर्म डिजीज कहते हैं ठीक है लोआ लोआ आई वर्म होता है ठीक है स्ट्रॉन्ग्लाइटिस थ्रेड वर्म कहता है धागे समान होता है थ्रेड वर्म, स्ट्रॉन्ग्लाइटिस दी थ्रेड वर्म, क्लियर तो ये बात ये तो कहानी थी ये पूरी स्टोरी ये पूरी स्टोरी किसकी थी ये पूरी स्टोरी थी क्रिमियो की तो आपने देखा ना कि राउंड वो जो, जो सिंपल राउंड वो में हमने उसमें कवर देखा हमने कितना ये ह्यूमन हेल्थ से कितना कनेक्टेड चैप्टर है बेटा है ना ठीक है चलिए इतना आपको याद रखना राउंड के बारे में नेक्स्ट फाइल में अगली क्लास में हम बात करेंगे तो एनिमल किंगडम को बिल्कुल एकदम सोचिए आप मैंने इसमें इसमें कहा ना जब वॉर्म आया तो हमने उसकी बात की जब जब अर्थवर्म आएगा तो हम थोड़ी सी सॉइल सॉइल के बारे में इकोलॉजी एक, के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं है ये इसके साथ में कई चैप्टर कनेक्टेड भी है तो वो कनेक्शन हमको पता होना चाहिए बेटा ठीक है ना अब इसके आपका क्या करना आपको डीपीपी लगाना है क्वेश्चन सोल्व करने है आपको ढूंढने क्वेश्चन क्या है एनिमल किंगडम में आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए बेटा समझ गए ना तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी बेस्ट Hi. To become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentors online app from Google Play Store.